इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35 योशियाह का किया ऊंचा फसह। और योशियाह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व मनाया और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेवीय जो इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो और इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो और फसह के पशुओं को बलि करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशियाह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे और उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों को याजकों लेवियों को स्वच्छ बलियों के लिए पशु दिए और हिल्कियाह जकरियाह और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे और हसब्याह ईएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लोहू को लेकर छिड़क देते और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिझाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की क्योंकि हारून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की और आसपास के वंश के गवैये दाऊद आसाप हेमान और राजा के दर्शी यदुतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और द्वारपाल एक एक फाटक पर खड़े रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की थी। यूं ही उसी दिन राजा योशियाह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होमबलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस तरह इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया
जैसा योशियाह और याजकों और लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशियाह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया था। योशियाह की मृत्यु। इसके बाद जब योशियाह भवन को तैयार कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशियाह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशियाह ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशियाह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूं, इसलिए मुझे यहां से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए और वह वहां मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशियाह के लिए विलाप किया और इर्मयाह ने योशियाह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशियाह की चर्चा आज तक करती है और इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशियाह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है और आदि से अंत तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं।